हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर जी इंजीनियर में। मैं दुर्गेश चौधरी आज आप लोग को कुछ भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बताऊंगा। और योजना बताने से पहले कुछ दो लाइन बताना चाहता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं बस खुद से वादा किया है। इसी के साथ है ये मैं आप लोग को भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में। पहला योजना है नमामि गंगे योजना। इसके बारे में समझते हैं, इसमें केवल तीन चीजें पूछी जाती हैं। मतलब योजना होती है उसमें ये पूछा जाता है कि कब ये स्टार्ट हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है और किसने इसको लॉन्च किया था। इसी तरीके से आइए इसको समझते हैं। पहला योजना नमामि गंगे योजना है, जिसका शुभारम्भ हुआ था 10 जुलाई 2014 को और इसको लॉन्च करने वाला था जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, यानी गंगा करना और उसके संरक्षण करना। क्या क्या मतलब, उसमें कोई जल की इम्प्योरिटी दूषण वगैरह उसको सही करना, इस तरीके से इसको सही करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद सेकंड है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका शुभारम्भ किया गया था 28 अगस्त 2014 को और एक वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम एक बैंक खाता होना। इसका उद्देश्य मेनली भारत सरकार का उद्देश्य ये था कि इसमें से जो कोई योजना लॉन्च करता है सरकार, उसमें से अमाउंट होता है वो डायरेक्ट मतलब जनता के खाते में जाना चाहिए। इसीलिए उसको जनधन योजना चलाई, जिससे कि हर एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य खोला गया था। उसके बाद अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें हम समझते हैं इसका शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर मोदी सरकार ने इसको लॉन्च किया था। जयप्रकाश नारायण कौन है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इन्हीं के याद में इनके जन्मदिन पर मोदी सरकार ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर ये इसका सांसद का आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य क्या था, प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना था। इसमें से ये था कि प्रत्येक सांसद जो भी किसी एक अपने पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, वो 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि वो अपने किसी भी अपने खुद के पैतृक मतलब गांव को जिसमें उनका निवास स्थान है उस गांव को नहीं ले सकते, या किसी अपने निजी संबंधी का गांव नहीं ले सकते हैं गोद। उसके बाद कोई भी गांव लेकर के वो गोद अपना उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये टीकाकरण से संबंधित था। इसका शुभारम्भ हुआ था 25 दिसम्बर 2014 को। उसके बाद इसको लॉन्च किया स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी कि जो भी बीमारियों का खात्मा हमारे टीकाकरण से होता था उन सबको टीकाकरण के माध्यम से निवारण करना था। इसमें मेनली 7 टाइप के बीमारियों को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से पहला डिप्थीरिया है, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। ये जो बीमारियां दी गई हैं, इन सबको याद करना बहुत जरूरी होता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सी दी गई विकल्पों में कौन सी बीमारी को इंद्रधनुष मिशन योजना में नहीं लिया गया है, तो इस चीज को 7 बीमारियों को लिया गया था, इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें 7 बीमारियों में है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। बस इतना ही हमारे पास अभी था। अगले कुछ योजनाओं के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। और आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।